तो अभी हम आ गए हैं हमारी लैपटॉप स्क्रीन पर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम प्रोडक्ट्स को कैसे ऐड करेंगे। जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे, जिस भी निश की आपकी स्टोर है, उसको प्रोडक्ट्स को आप कैसे ऐड करोगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी पूरी स्टोर की सेटिंग की, कैसे हमने स्टोर को सेटअप किया था। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर देख सकते हो कि कैसे आपको स्टोर सेटअप करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे अपने। अब देखो प्रोडक्ट आप क्या कर सकते हो, इसमें हम बात करने वाले हैं मैनुअली कैसे आप प्रोडक्ट ऐड करोगे। अगर आप शॉपिफाई में जो आपके प्रोडक्ट्स हैं वो आप शॉप 101 या फिर मीशो या फिर ग्लोरोड से लेते हो और शॉपिफाई में उनको सेल करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, आप वहाँ से प्रोडक्ट्स की पिक्चर उठाओगे, ठीक है। उन प्रोडक्ट्स की पिक्चर को आप अपनी इस वेबसाइट पर ऐड करोगे, यानी कि ऐड अ प्रोडक्ट्स में करोगे। तो फॉर एग्जांपल मैंने मेरा ये जो टी शर्ट है monkeyetshirt.com, तो यहाँ पर मैं टी शर्ट्स ही ऐड करूँगा मेरे प्रोडक्ट्स में। तो मैंने कुछ दो टी शर्ट डाउनलोड कर रखे हैं, ठीक है, उनकी फोटोज़। तो मैं यहाँ पर आपको प्रोडक्ट ऐड करके दिखाता हूँ मैनुअली कैसे करना है, और आने वाले टाइम पे मैं आपको बताऊँगा कि ग्लो रोड से डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, और प्रिंटरों का इस्तेमाल करके अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड में काम कर रहे हो तो वो कैसे करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लिक करेंगे ऐड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं हमारे प्रोडक्ट सेक्शन में, है ना। देखो यहाँ पर सिंपल सा है, टाइटल देना है आपको, जो भी आप चीज़ है, जो भी आपका उस तरह का आप टाइटल यहाँ पर दोगे, उसका डिस्क्रिप्शन दोगे, उसका मीडिया फाइल, जो भी आप मीडिया फाइल अपलोड करना चाहो, एक दो तीन जितना भी। फिर यहाँ पर आपकी प्राइसिंग आएगी, ठीक है। उसके बाद टैक्स आपको लेना है कि नहीं लेना है, मतलब कि वहाँ पर दिखाना है कि टैक्स इंक्लूडेड है या टैक्स एक्सक्लूडेड है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसे हम इसको अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई यहाँ पर आप टी शर्ट, जो भी आपकी टी शर्ट है, जैसे कि मेरी टी शर्ट कुछ, मैं ऐसे कुछ भी ले रहा हूँ, जैसे हेलो टी शर्ट, ठीक है, हेलो टी शर्ट, ठीक है, हम हेलो टी शर्ट ही नाम रखते हैं। आपका जो भी प्रोडक्ट का नाम होगा आप वो रख सकते हो, कॉटन वगैरह जो भी आपको लिखना है आप वो लिख सकते हो। जैसे मैं स्लैश प्योर कॉटन कर देता हूँ, ठीक है। ये आप कुछ भी टाइटल डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसा आपका प्रोडक्ट है वैसा आप टाइटल डालो, ठीक है। जब आप मीशो वीशो से प्रोडक्ट उठाते हो तो वहाँ पे जो टाइटल है आप सेम वही टाइटल भी रख सकते हो, या फिर कुछ आप थोड़ा सा फेरबदल उसमें करके यहाँ पर टाइटल डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रखना, कोई बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन आपको रखने की जरूरत नहीं है कि आप पूरा एकदम एक्सप्लेन कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को, या टी शर्ट में मैं क्या ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। टी शर्ट में हम क्या बताते हैं, हम क्वालिटी बताते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट कैसा है, किस चीज़ से बना हुआ है, यू नो बायो वॉश्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ही इसी में आप वो भी कर सकते हो, आपका शिपिंग के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ बता सकते हो कितने दिन में आपकी शिपिंग हो जाएगी, ताकि जब वो एक बार में देखने में अच्छा लगे, ठीक है। और कोशिश क्या करना है कि जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे, ठीक है, जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो उस डिस्क्रिप्शन में आपको करना क्या है कि भाई आप बुलेट पॉइंट्स में डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करो। जब आप बुलेट पॉइंट्स में डिस्क्रिप्शन देते हो तो वो देखने में अच्छा लगता है, प्लस वो लोगों की आई को कैच कर लेता है, यानी लोग उसको देख के यू नो चांसेस बढ़ जाते हैं कि कोई आपके प्रोडक्ट को खरीदे या कोई उस डिस्क्रिप्शन को पढ़े। अगर आप एक पूरा पैराग्राफ लिख देते हो तो चांस है कि थोड़ा सा वहाँ पर लोगों को वो दिक्कत आएगी, कोई उतना पढ़ने नहीं वाला उसको। लेकिन जब आप वहाँ पर बुलेट पॉइंट्स में लिखते हो तो देखने में भी अच्छा लगता है, प्लस एक अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करता है वो। तो आप क्या करो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, जब भी यहाँ पर आप मैन्युअली प्रोडक्ट को ऐड करते हो तो आप क्या करोगे, आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे बुलेट पॉइंट्स में, उसके नीचे आप थोड़े बहुत अलग अलग टाइप में कर सकते हो, लेकिन शुरू में आप क्या करो, तीन चार बुलेट पॉइंट्स दे दो उस प्रोडक्ट के बारे में कि क्या क्या मेन फंक्शन है, किस तरह से वो आपको हेल्प करेगा और वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। अभी टी शर्ट में क्या है कि जब मेरा पहले हम जो स्टोर चलाते हैं प्रिंटरों से, उसमें क्या करते थे, हम जो प्रिंट ऑन डिमांड की टी शर्ट्स होती थी तो उनके डिस्क्रिप्शन में हम कुछ उस थीम से, जो हमने वहाँ पर जो डिज़ाइन हमने उस टी शर्ट पर दे रखी है, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम डिस्क्रिप्शन लिखते थे, ताकि वो लोगों को, जो आप देखो प्रिंट ऑन डिमांड में क्या है कि अगर मैंने फुटबॉल से रिलेटेड कोई टी शर्ट बनाई है तो अगर मैं उसका डिस्क्रिप्शन जब वहाँ पर देता हूँ तो लोग उसको पढ़ते हैं और थोड़ा सा मे बी एक स्टोरी लाइन क्रिएट होती है कि हाँ चलो ये इससे रिलेटेड है। तो आप उस तरह से अपने प्रोडक्ट के लिए कर सकते हो, आप कुछ बुलेट पॉइंट्स, दो बुलेट पॉइंट्स देने के बाद आप नीचे कुछ अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, शिपिंग के बगैर में अगर आपको डिस्क्रिप्शन में बताना है तो भी आप बता सकते हो। तो अभी मैंने ये डिस्क्रिप्शन लिख लिया है कुछ, ठीक है, आप देख सकते हो जैसे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो उसको ऐसा कोशिश करो कि वो साफ सुथरा लगे, ठीक है, ज्यादा घोच पोच नहीं करनी है कि आप पूरा एकदम डिस्क्रिप्शन दे रखे हो बहुत बड़ा सा, ज्यादा बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट्स रखो, की पॉइंट्स रखो, जैसे मैंने बताया है, ठीक है। अब यहीं पर अगर आप मान लो कि प्रिंट ऑन डिमांड में कुछ काम कर रहे होते और आपकी टी शर्ट किसी पर्टिकुलर चीज पर होती तो आप यहाँ पर मटेरियल की जगह पहली लाइन में आप कुछ उस पर्टिकुलर चीज के बारे में बता सकते थे एक दो लाइन में, ठीक है, यानी कि थोड़ा सा रिलेट करने के लिए लोगों के साथ। इसमें भी हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो टी शर्ट उस तरह की नहीं है तो मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। तो आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डिस्क्रिप्शन को ऐड करोगे, ठीक है,
उसके बाद हम यहाँ पर बात आते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने शिपिंग टाइम भी दे दिया इसी में ही, और आप भी चाहो तो दे सकते हो। आप यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको फॉर्मेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, कैसे आपको लिखना है हेडिंग वगैरह, उसके बाद ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, बुलेट पॉइंट्स, इमेजेस भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, वीडियोस वगैरह सब यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो अपने डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि डिस्क्रिप्शन कोई बहुत ज़्यादा एकदम हॉचपॉच ना हो जाए, कि एकदम सब कुछ आपने डाल दिया है, बहुत ही क्लीन होना चाहिए आराम से, ताकि लोग जो सामने वाला बंदा है वो देखने ना आए, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीडिया की, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट का फोटो होगा वो आप यहाँ पर डालोगे, जो प्रोडक्ट की आपकी इमेज होगी वो आप यहाँ पर रखोगे। अब देखो, जो भी आपकी इमेज है वो हाई क्वालिटी इमेज होनी चाहिए, उससे क्या होता है कि एक इंप्रेशन पड़ता है ब्रांडेड वेबसाइट का, और लोगों को देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आपके वेबसाइट पर आपके पिक्सल्स जो है वो फट रहे हैं आपके इमेज के, अच्छा नहीं लग रहा है इमेज देखने में, तो चांस है कोई उसको बाय भी नहीं करेगा। और अगर आपकी इमेज अच्छी दिख रही है तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो उस प्रोडक्ट को बाय करेगा, ठीक है। तो अब जैसे मेरी तो ये टी शर्ट है, तो मैं टी शर्ट ऐड कर लेता हूँ। मिनिमम आप दो इमेज जरूर रखो, दो तीन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जो भी आपके प्रोडक्ट हैं दो तीन, जैसे आप टी शर्ट है तो इसमें फ्रंट और बैक होते हैं, दो इमेज आपकी आ जाती है। फिर आपका जैसा प्रोडक्ट है उस हिसाब से आप इमेज रखो, पांच छह इमेज भी आपकी काफ़ी अच्छी चल जाती है, ठीक है। यानी कि लोगों को देखना चाहिए कि ये इमेज कैसी है क्या है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर इमेज अपनी रख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैंने ये इमेज डाल दी है, तो ये इमेज की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, देखने में भी सही लग रही है, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं एक चाहूँ तो पीछे का भी, जो पीछे बैक से कैसा लगेगा वो डाल सकता हूँ। मैंने यहाँ पर प्राइस डाल दिया है 499, ठीक है। उसके बाद और हमें कुछ नहीं करना है अभी, ठीक है। और मैं टैक्स नहीं लूँगा इस प्रोडक्ट पर। अगर मान लो कि कोई बंदा आता है 499 की टी शर्ट बाई करता है, उसके बाद मैं उस पर भी टैक्स लगाता हूँ, तो चांस है कि बाउंस बैक हो जाएंगे वो लोग नहीं लेंगे इस टी शर्ट को, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। बाकी अभी मैनुअली में आप इन्वेंट्री अगर आपके पास है, अगर आप एसक्यू मैनेज करते हो, वैसे तो ऐसा नहीं कर रहे होगे अगर आप शॉप 101 या मीशो से उठा रहे हो, तो इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर क्वांटिटी, अगर आप चाहो तो आप मीशो में तो ऐसे क्वांटिटी आपको पता चल जाती है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो कि कितनी अवेलेबल है। जैसे मान लो आप यहाँ पर लिख देते हो 15 अवेलेबल है, तो 15 अवेलेबल, जैसे ये कम हो जाएगा तो आपके शॉपिफाई वेबसाइट पर दिखाने लगेगा आउट ऑफ स्टॉक, तो आपको भी पता चलेगा कि आपकी ये चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक गई हैं या नहीं गई हैं। तो आप इसको कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप ट्रैक क्वांटिटी को हटा दो तो ये चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। तो इसको आप चाहो तो आप कर सकते हो। दिस इज़ अ फिजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, इसका वेट वगैरह हम कुछ नहीं देंगे। फिर यहाँ पर हम कंट्री रीजन आप दे देते हैं, ठीक है, इंडिया, उसका इसको हम रहन देंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वेरिएंट अगर आपके पास है, ठीक है, जैसे मान लो आपकी टी शर्ट है, आप टी शर्ट का कुछ वेरिएंट होता है, ठीक है, आप टी शर्ट में वेरिएंट है, तो आप यहाँ पर साइज़ का ऑप्शन है, ठीक है। आप साइज़ में आप साइज लिखते हो, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ठीक है, जैसे स्मॉल हो गया, मीडियम हो गया, ठीक है, कॉमा जब आप लगाओगे तो अपने आप ऐसा होता जाएगा, ठीक है। फिर एक्सेल हो गया, ठीक है, ये तीन हमारी साइज़ होगी। उसके बाद अगर आप चाहो तो कलर भी ऐड कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास और भी कलर है वगैरह वगैरह चीज़ें, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। टी शर्ट वगैरह क्लोथिंग के लिए बेसिकली आप ये ऑप्शन ऐड कर सकते हो, है ना। अब यहाँ पर सारे टी शर्ट का साइज़ सेम रहेगा, आप यहाँ चाहो तो सबके लिए आप वो कर सकते हो, मतलब कि क्वांटिटी कितनी है, नहीं तो आप ट्रैक क्वांटिटी को हटा सकते हो, है ना। उसके बाद हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे और इसको हम करेंगे सेव, ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि ये देखो, जैसे हमारा यहाँ पर आता है आपका प्रोडक्ट टाइप, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप में आप यहाँ पर टी शर्ट डाल दो, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप हमारी टी शर्ट है। उसके बाद ये आप कलेक्शन, जब आप कलेक्शन बनाओगे तो मैं आपको कलेक्शन बनाते हैं, मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे कलेक्शन बनाना है, तो हम ये प्रोडक्ट वहाँ पर ऐड कर देंगे। तो कलेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर टैग्स के बारे में बता देता हूँ, टैग्स क्या होते हैं। देखो, टैग्स में क्या होता है कि जैसे जब आप कलेक्शन क्रिएट करते हो, मान लो कि मैंने कलेक्शन क्रिएट किया टी शर्ट्स का, शर्ट्स का अलग अलग, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जैसे टी शर्ट अगर मैं टैग लगा देता हूँ, ठीक है, अगर मैं टी शर्ट एक टैग लगा देता हूँ, ठीक है, टी शर्ट मैंने टैग लगा दिया है ना। अब इसका मतलब क्या होता है कि टी शर्ट का अब आगे से, ठीक है, और मैंने एक कलेक्शन बनाई, ठीक है, मैंने एक कलेक्शन बनाई जिसका नाम मैंने रखा टी शर्ट। अब क्या होगा कि मैंने इस टी शर्ट को उस कलेक्शन में डाल दिया, अब ये टैग की वजह से, इस टैग की वजह से मैंने उस कलेक्शन वाले कलेक्शन में भी मैं वही टैग डालूंगा टी शर्ट, कि उस कलेक्शन में कौन से टैग की प्रोडक्ट्स जाएंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, कलेक्शन एक बनाया टी शर्ट, और वहां पर क्या कर दिया मैंने, चलो मैं उसको बना के आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कलेक्शन हम कैसे क्या काम करते हैं। मैंने यहाँ पर जैसे मान लो एक टी शर्ट मैंने टैग डाल दिया है, और चलो ठीक है, हम टी शर्ट ही इसको रहने देते हैं, है ना। अब इसको हम सेव कर देते हैं, जरा मैं बना के दिखाई देता हूँ पूरा कैसे क्या होता है। अब हमने इसको यहाँ पर सेव कर दिया, अब हम आ जाते हैं यहाँ कलेक्शंस में, ठीक है, कलेक्शन में आ जाते हैं, और कलेक्शन में हम करेंगे क्रिएट कलेक्शन। ये क्रिएट कलेक्शन का आपको बटन दिख रहा होगा,
इस क्रिएट कलेक्शन क्रिएट क्लिक करो, है ना। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करोगे, टाइटल दोगे अपनी कलेक्शन का। जैसे मैं अपनी कलेक्शन का टाइटल दे देता हूँ, ठीक है, टी शर्ट्स, ठीक है, मैंने अपनी कलेक्शन का टाइटल दे दिया टी शर्ट्स। आपको डिस्क्रिप्शन देना है दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन देने की, ठीक है, आप एक डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। अब इसको हम क्या करेंगे, ऑटोमेटेड करेंगे, कोई जरूरत नहीं है कि हम मैनुअल रखें। अब यहाँ पर देखो कंडीशन दे रखी है कि प्रोडक्ट का जो टैग है इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट के टैग को टी शर्ट कर देता हूँ, ठीक है, प्रोडक्ट के टैग को अगर मैं टी शर्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये प्रोडक्ट के टैग को हमने कर दिया टी शर्ट। अब क्या होगा कि जो वो जो टी शर्ट मैंने बना रखी थी, ठीक है, जो मैंने वो टी शर्ट बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज़ याद रखना कि हमने क्या किया, हमने कलेक्शन क्रिएट की है टी शर्ट, ठीक है, और इसमें हमने टैग लगाया है, देखो ये टी शर्ट अपने आप यहाँ पर आ गई, एलियो टी शर्ट जो हमने बनाया था, क्योंकि इस टी शर्ट में भी हमने टैग लगाया हुआ है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि इस टी शर्ट में भी हमने टैग लगाया हुआ है किसका, शर्ट, टी शर्ट का, तो उसकी वजह से ये वाली जो टी शर्ट है वो कलेक्शन में चली गई। ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ये टी शर्ट मैंने टैग दे रखा था और मैंने इस कलेक्शन में भी टैग दे रखा था, टैग इक्वल्स टू टी शर्ट, तो ये टी शर्ट यहाँ पर आ गई। तो अब इसी तरह से अब क्या होगा कि जब आप अगली टी शर्ट ऐड करोगे, चलो मैं अगली टी शर्ट ऐड करके मैं आपको दिखाता हूँ, है ना। अब मैं इस कलेक्शन में मैं आपको एक अगली टी शर्ट ऐड करता हूँ, न्यू प्रोडक्ट्स, ठीक है, एक हम नया प्रोडक्ट भी ऐड कर देते हैं इसी में, सिमिलर टाइप से एक प्रोडक्ट और ऐड कर देते हैं, हम इसको कर देते हैं XYZ टी शर्ट, ठीक है, XYZ टी शर्ट कर देते हैं, और डिस्क्रिप्शन हम वहीं से सीधा से वहीं से कॉपी कर लेंगे पुराने वाली से, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन था हम पहले वहां से कॉपी कर लेते हैं, सेलियो वाले से, पुराने वाले से, ठीक है, मैंने डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया और हम चलेंगे यहाँ पर लीव पेज, हम आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, इसमें, और फिर हम यहाँ पे भी वही सेम ऐड कर देंगे, फिर एक फोटो भी यहाँ पर, इमेज भी अपलोड कर देते हैं हम, हमारे जो हमारा जो टी शर्ट है उसकी, आ जाओ आ जाओ, इसको हम ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पर हम प्राइस भी दे देते हैं, जैसे 499, ठीक है, 499 हमने प्राइस दे दिया यहाँ पर। उसके बाद हमने बाकी सारी चीज़ें ऐसे छोड़ दी हैं, ट्रैक क्वांटिटी में हम यहाँ भी इसको भी 15 कर देते हैं, ठीक है, इसको भी हमने 15 कर दिया। उसके बाद इसे भी हम इंडिया कर देते हैं, इंडिया कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या किया हमने, अब देखो यहाँ पर हम प्रोडक्ट टाइप कर दिया हमने, प्रोडक्ट टाइप हमारा टी शर्ट ही रहेगा, ठीक है, ये आप प्रोडक्ट टाइप दे सकते हो अपने, ये सारी ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये आपके लिए होती हैं कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर भी हम टैग, देखो टी शर्ट दिखा रहा है फ्रिक्वेंटली यूज टैग, तो हम यहाँ पर भी टी शर्ट का टैग दे देंगे इसको, ठीक है, टी शर्ट का टैग देंगे और सेव कर देंगे। तो अब क्या होगा कि जो हमारी जो कलेक्शन हमने बनाई थी टी शर्ट की, ठीक है, अब इसी कलेक्शन में अपने आप जो है हमारी वाली टी शर्ट यहाँ पर आ जाएगी। एक बार जब आप रिफ्रेश करोगे इसको, तो यहाँ पर देखो ये वाली टी शर्ट जो आपने नई ऐड की ये भी आ गई। तो इससे क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा, आपको वहां पर ज्यादा बार बार इसको कलेक्शन में ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप केवल वहां पर टैग करो और टैग डालो और ये आ जाएगी। अगर मान लो कि आप यहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें भी ऐड कर सकते हो, प्रोडक्ट टैग इक्वल्स टू जैसे प्रोडक्ट वेंडर हो गया, ये सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ों में आप कर सकते हो, जैसे प्रोडक्ट टैग अगर मान लो कि कोई और चीज़ है जो आप चाहते हो कि वो टी शर्ट भी इसी में दिखाई जाए, तो यहाँ पर आप उस टैग को यहाँ पर डाल सकते हो। टैग आप चाहे जितने मर्जी बना सकते हो, वो चीज़ें होती हैं आपके लिए। अब देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है ड्राफ्ट, तो मतलब कि अभी ये ड्राफ्ट में है, अभी एक्टिव नहीं, यानी कि हमारी जो वेबसाइट होगी वहाँ पर ये नहीं आएगी। तो हम इसको ऑनलाइन स्टोर पर प्रोडक्ट पर आ जाते हैं इधर से, और यहाँ से हम कर देंगे इसको एक्टिव, ठीक है, एक्टिव कर देंगे तो यहाँ हमारी वहाँ पर शो होने लगेगी। और दूसरी वाली टी शर्ट को भी हम एक्टिव कर देते हैं, जो हमारी ये टी शर्ट है। तो अभी तक ये समझ गए होगे आप लोग कि कैसे करना है, है ना, कलेक्शन के बारे में, कलेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं, और फिर आपके टैग क्या होते हैं, और प्रोडक्ट को कैसे ऐड करना है। तो ये मैनुअली एडिशन हो गया आपके प्रोडक्ट्स का, ठीक है, कि किस तरह से आपका प्रोडक्ट मैनुअली ऐड होएगा, है ना। अभी हम
आने वाली वीडियोस में हम बात करेंगे प्रिंटर ऑफ के थ्रू, अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड करना चाहते हो, या फिर हम यहाँ पर सीधा हम उससे बात करेंगे ग्लोरोड से कैसे आप काम कर सकते हो, ठीक है। अभी हमारी वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, अभी हम उसको भी बनाएंगे अपने थीम से, इसको बनाया जाएगा साथ में मिलके बनाएंगे हम लोग। और बाकी यार हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो यहाँ पर हमारे ये जो दो प्रोडक्ट हैं ये आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा, और अभी बाकी चीज़ें हम यहाँ पर ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ी सी और अच्छी दिखे, है ना। अब देखो टैग से एक चीज़ और मिल जाती है कि आप यहाँ पर जो टी शर्ट आएंगी वो भी इसी से सिमिलर टी शर्ट से यहाँ पर दिखाई लगेगी, इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके बारे में हम बात करेंगे हमारी अगली वीडियो में, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको मैन्युअली प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है वो बता दिया है, और अगर कोई चीज़ दिक्कत आ रखी है या फिर कहीं पे आपको कुछ प्रॉब्लम आई तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आप मैसेज भी कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगा। तो बाकी हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यार सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर दबा देना यार, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन आए और भी बाकी वीडियोज़ आपके लिए आती रहे, है ना। तो बाकी चीज़ें तो आप समझ ही गए होंगे कैसे करना है, अगर कहीं दिक्कत है तो आप मुझे बताओ, पहली बार एक बार ट्राई कर लेना, उसके बाद मुझे दिक्कत बताना, ठीक है। केवल जब आप ट्राई करोगे तो आपको और भी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। तो अगली वीडियो आएगी ग्लोरोड के ऊपर कि कैसे आप ग्लोरोड से कर सकते हो, या फिर प्रिंट ऑफ का ट्यूटोरियल आ जाएगा कि प्रिंट ऑफ से कैसे आप डायरेक्टली यहाँ पर ऐड करोगे अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।